और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो क्योंकि मजे मजे की वीडियोज आपके पास आने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं जो हूँ ना और मजीद 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 अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी। सो लेट्स टेक आवर जर्नी होगा हमारे साथ स्टेटमेंट कनेक्टेड विद मी। सो गाइस, अब हम पहले जाएंगे चाय बनाने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक मजेदार सी बात बताने जा रही हूँ, वो ये कि गाइस आज का व्लॉग जो होगा ना पूरा देखने का है, मिस नहीं करने का। और तैयारियां श्यारियां जो होने वाली है ना वो बहुत जल्द मैं अभी आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। जैसे मैं कल बात कर रही थी कि जो सीक्रेट है वो आज डिस्क्लोज हो जाएगा, खैर आपको थंबनेल में और जो हाईलाइट से पता चल ही गया होगा कि हो क्या रहा है, क्या हुआ है। तो बहरहाल व्लॉग में देखें हमारे साथ। सो चलिए किचन में पहले चाय बनाते हैं। ओके जी, हमारी चाय रेडी हो चुकी है। A few moments later. ये देखिए गाइस, दादा अब्बू एंड दादी अम्मी, ये वो तैयारियां श्यारियां चल रही थी गाइस जो कि अब पहनेंगे अम्मी अब्बू दादा अब्बू एंड दादी अम्मी अपने पोते की आमद पर। तो गाइस बस हम जो है अब जाते हैं, इसको हैंगशन करते हैं, प्रेशर लगाते हैं और फिर हम चलते हैं अरेंजमेंट की तरफ। आप लोगों को दिखाते हैं कि हम जो है किस तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो लेट्स गो। और हमारी नन्ही नाया भी सो के उठ के आ चुकी है। सनाया कौन है यहाँ पे? हाँ कौन है सनाया? तो भाई आज कौन आ रहे भाई, कौन आ रहे? दीदी आ रहे। और ये जा रहा है फ्लाइंग करता हुआ जंबो बैलून। फैन ऑफ कर देते हैं। खोलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू देखें कैसा है अब्बू? चल रही है ना प्रिपरेशन। बस सनाया को ढूंढे अब्बू, आपकी बिल्ली कहाँ गई? आपकी बिल्ली कैटी। सनाया कहाँ? सनाया वे सनाया, सनाया वेर आर यू? और ये गाइस हमारे बन चुके हैं मजेदार से डेरी स्टैंड्स। ये क्या लिया है आप? ओ ये लो, ये तो बिग फीडर। ये सनाया की फीडर है? यस। अब आपकी है? ओह रोई का मैं जुजु जो मेरा जुजु जो। An eternity later. लाए मजेदार कचौरी और समोसे। ये जी अच्छा आपको
जी तैयारियाँ बड़े जोर शोर से चल रही हैं। और वाओ, ये क्या है सुभान? ये आपने खुद बनाया है? जबरदस्त, नाइस फ्लावर। सुनाएं लुक, बाल ने क्या बनाया? वाओ, दे दीजिए। हाँ जी, ऐसे कर लीजिए ऐसे। ये बनने जा रहा है अल्फाबेट इस स्टैंड से। तो जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। तो मेरे कज़िन, उन्होंने अभी ये एक स्टैंड क्रिएट किया है। तो जो है ज़बरदस्त चल रही है भाई अरेंजमेंट। और ये अब बनने जा रहा है स्टैंड अल्फाबेट, हमारे बेबी का जो नेम का फर्स्ट अल्फाबेट वो बनाएंगे। परफेक्ट। और ये गाइस ऐसे ज्वाइंट कर दिए इन्होंने, दैट्स गुड, जबरदस्त। अच्छा, हमारी जो है ना तैयारियां सारी हो चुकी हैं। अब बस हमें होना है तैयार, तो बस हम चलते हैं फटाफट ऊपर और फटाफट रेडी होकर आते हैं। देख रहे होंगे हमारी अरेंजमेंट किस तरीके से भरपूर तरीके से हुई है। होप सो आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी और आप लोग भी हमारे साथ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, अम्मी के आने में ना कुछ ही मिनट्स रहते हैं और हम लोग जो है ना भरपूर तरीके से रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए, अपने भतीजे के इस्तकबाल के लिए। और आप लोग को जो है हाईलाइट से पता चल गया होगा कि हम लोग क्या बन गए, हम लोग बन चुके हैं पप्पो। तो बस गाइस, उसी की हम तैयारियां कर रहे थे काफी देर से और आज वो लोग आ रहे हैं फाइनली हैदराबाद। और जो है सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और अब्बू भी हमारे रेडी होकर आ चुके हैं। बस अब्बू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है गाइस। अब्बू दिखा तो सही, अब्बू देखिए हमने दादा जान। अब ये मेरे ख्याल से इसमें ना रिफ्लेक्ट होकर उल्टा आ रहा है, इस पर लिखा है दादा अब्बू। सो गाइस, अब्बू मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने पोते को लेने। तो बस ये लोग आने वाले हैं और बस चलो भैया जल्दी बैठ जाओ अब्बू के साथ, जल्दी अब्बू के पास आओ, सब आ जाओ, सारे बच्चे अपने अब्बू पास आओ। फोटो सेशन बच्चों के साथ, वो देखो हसन सनाया, आप लोग क्या बन गए हसन? हसन सनाया का बेबी बॉय भाई आ गया है, ये हुर्रे। गाइज, आप लोग को पता है हम लोगों ने सरप्राइज रखा है और अम्मी, हुदा, उसामा, बेबी, अनाबा, किसी को भी नहीं पता है कि हमने इस तरह की अरेंजमेंट किया। और ये लोग किसी भी वक्त पहुंचने वाले, हमारे जो है ना सनाया यहाँ पे खड़ी है, सुबह साइकिलिंग कर रहे हैं, सुहा भी वेट कर रही है और सब जो है ना
मतलब रेडी रहेंगे अंदर हमारे कैमरा सारे सेटिंग जो है ना इनके जो होते हैं ना रिएक्शंस वो देखेंगे कि इन लोगों को हमारी अरेंजमेंट कैसी लगी है। होप्स आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि इन लोगों को कैसा लग रहा है। और ये हमारी दादी अम्मी भी रेडी होकर आ चुकी है। ऐसा कौन आया है? बीबी आ गया? सुनाया कौन आया है? बीबी आ गई? चलो ओके गाइस, हम अब बेबी को देंगे पापा की तरफ से एनवेलप। चलो भाई क्यूट है ना? यस। चलो तो गाइस, अब हम इसके लिए ये भी लेकर आए, हम इसको ये पहनाएंगे काले धागे। चलो बेबी का एनवेलप मम्मा जी। चलो भाई सुबह इसके हैंड से निकालो। दादा अबू दादी अम्मी डाल रहे हैं भाई, डाल रहे हैं का फोटो सेशन तो हो जाए। यहाँ पे बच्चों ने केक पे अटैक कर दिया। सुनाया यम्मी, इट्स यम्मी। ओए होए, इसको तो भाई अंदर रख कर आए। और गाइस बहुत सर जहाँ तक हो सकेगा हम जो है ना बेबी की पिक्चर्स को हाइड करेंगे। जाहिर सी बात है न्यू बॉर्न बेबी है और जो है नज़र बरहक है, तो जो है ना हम इसका फेस रिवील नहीं कर सकते। तो गाइस आई होप सो आप लोग ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ। हम चलते हैं आज क्या है। और गाइस यम्मी अब क्या कर रही है? मिक्सिंग कर रही है, मैं उसके शेक कर रही हूँ। ओए होए या चिकन की हीरा लेकर आइए, हीरा लेकर आइए। मिस्टर बर्गर की तो नहीं है, मिस्टर बर्गर की नहीं है, होममेड है भाई। अपने कुक से मजेदार मजेदार। और ये है चिकन का शोरबा। ओके जी, खाना लग चुका है, अब हम खाना खाने जाते हैं, फिर मिलते हैं खाने के बाद। जी हम सब खाना खा पी के फारिग हो चुके हैं और इसी के साथ मुझे इजाजत दे, मैं अपना आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। होप से मेरा आज का व्लॉग आपको यकीन अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी हमारे साथ खूब इंजॉय किया होगा। सो गाइस इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं न्यू डे न्यू व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।